नमस्कार, जिले का नंबर वन चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता है और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। बाजार समिति मतगणना केंद्र पर हारे हुए प्रत्याशी ने समर्थकों से रोड़ेबाजी की, 3 पुलिसकर्मी समेत कई लोग हुए घायल। 87 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का हुआ समापन, पुरुष वर्ग में मुजफ्फरपुर, महिला वर्ग में पटना ने मारी बाजी। और जिला पुलिस ने चोरी के जेवर खरीद बिक्री करने वाली महिला को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। बाजार समिति मतगणना केंद्र पर हारे हुए प्रत्याशी के समर्थक रीकाउंटिंग की मांग नहीं पूरी होने पर पथराव करते हुए जमकर बवाल काटा। स्थिति नियंत्रण के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अहियापुर थाना क्षेत्र स्थित बाजार समिति में मतगणना केंद्र पर बुधवार शाम भारी बवाल हुआ। यहाँ पर मीनापुर प्रखंड के चुनाव का मतदान हो रहा था, इसी दौरान एक हारे हुए प्रत्याशी के समर्थकों ने बवाल करना शुरू कर दिया। वे लोग हार को आसानी से पचा नहीं पा रहे थे, रिकाउंसलिंग की मांग करने लगे, जिसे मतगणना कर्मी और अधिकारियों ने नकार दिया। इसी बात को लेकर सभी समर्थक परिसर में घुसकर हल्ला हंगामा करने लगे। पुलिस बल के समझाने पर भी कोई शांत नहीं हुआ। केंद्र पर हंगामा कार्य बाधित करने के आरोप में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, जिसके बाद समर्थकों ने बवाल करते हुए पथराव शुरू कर दिया। इसमें 3 जवानों को भी आंशिक रूप से चोट लगी है, साथ ही पुलिस की वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गई। स्थिति अनियंत्रित होने की सूचना पर टाउन DSP राम नरेश पासवान और QRT मौके पर पहुंचे। उग्र लोगों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ दिया। टाउन DSP ने बताया कि मौके से आधा दर्जन उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। अन्य लोग फरार हो गए हैं, जिनकी तलाशी की जा रही है। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है, मतगणना कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। उन्होंने कहा कि मीनापुर के तुर्की के एक मुखिया प्रत्याशी की हार हुई थी। जब उनके समर्थकों ने बवाल करना शुरू किया तो उसने खुद से अपना सिर फोड़ लिया। उसके नाम और पते का सत्यापन कर कार्रवाई की जा रही है। बाजार समिति में जो विगत पंचायत चुनाव का चुनाव संपन्न हुआ, उसमें मतगणना का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें मीनापुर प्रखंड के तुर्की पूर्वी का हारे हुए प्रत्याशी के द्वारा आज यहाँ पे हंगामा खड़ा किया गया है। उसी को शांत करने के लिए SDM साहब के द्वारा जो है खबर सूचना मिली, हम लोग आकर करके बल के साथ उसको नियंत्रित किए हैं। और हंगामा करने वाले कुछ लोग जो पुलिस जीप पर भी पथराव किए और खुद प्रत्याशी के द्वारा, हारे हुए प्रत्याशी के द्वारा अपना, सुनने में जैसा कि आ रहा कि अपने से सिर फोड़ लिए हैं और हंगामा करने लगे। उनके समर्थन में जो उनके समर्थक थे आए हुए थे और इन पे हम लोग जो आकर करके कार्रवाई किए हैं। कुछ लोगों की प्रिवेंटिव एक्शन लेकर गिरफ्तारी की गई है और डिटेन किया गया जी प्रिवेंटिव अरेस्टिंग की गई है इन लोगों की। और अभी माहौल एकदम पूर्ण शांति हो गया है। पत्थरबाजी में पुलिस को भी चोट आई है, वो देखा जा रहा है किन किन को चोट लगी है। कुछ पत्रकार बंधु को भी सुने चोट लगी है। 87वीं बिहार एथलेटिक्स चैंपियनशिप का समापन हुआ। पुरुष की वर्ग में मुजफ्फरपुर और महिला वर्ग में पटना के खिलाड़ियों ने बाजी मारी। बिहार एथलेटिक्स संघ के तत्वावधान और मुजफ्फरपुर जिला एथलेटिक्स संघ की मेजबानी में आयोजित 87वें बिहार राज्य सीनियर जूनियर एथलेटिक्स मीट में प्रतियोगिता का बुधवार को समापन हो गया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन पुरुष वर्ग में मेजबान मुजफ्फरपुर 15 अंक और महिला वर्ग में पटना 13 अंक ने चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया। Under-20 बालिका वर्ग में रोहतास 12 अंक ने चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया। मेजबान मुजफ्फरपुर की टीम 12 अंक पाकर उप विजेता बनी। बालिका Under-18 में गया 12 अंक चैंपियन गोपालगंज 9 अंक उप विजेता रहे। बालिका Under-16 में भागलपुर की टीम 13 अंक लेकर चैंपियन रही, जबकि रोहतास 9 को बस उप विजेता ट्रॉफी से संतोष करना पड़ा। बालिका Under-14 आयु वर्ग में भागलपुर 12 अंक चैंपियन और रोहतास 7 अंक को उप विजेता कप से संतोष करना पड़ा। बालक
अंडर 20 में जमुई 15 अंक चैंपियन रहे। सारण 10 अंक उपविजेता बालक। अंडर 18 में भागलपुर 14 अंक चैंपियन। जहानाबाद और मुजफ्फरपुर की टीम 9-9 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही। बालक अंडर 15 आयु वर्ग में रोहतास 17 अंक लेकर चैंपियन बनी। भागलपुर की टीम 7 अंकों के साथ उप विजेता रही। बालक अंडर 18 आयु वर्ग में रोहतास और जमुई की टीम को 8-8 अंक हासिल हुआ। हालांकि पदक के आधार पर रोहतास टीम को चैंपियनशिप ट्रॉफी दिया गया। मौके पर मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक गणेश कुमार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि अब खेल रोजगार का भी माध्यम है, ऐसे में आप बढ़ चढ़ कर खेलें। संघ और सरकार मिलकर प्रतिभा को तराशने का काम करेंगे, प्रदर्शन के लिए उचित प्लेटफॉर्म प्रदान करेंगे, लेकिन जब तक आप में आत्मबल नहीं होगा आप अपने मुकाम को हासिल नहीं कर सकेंगे। बिहार राज्य एथलेटिक्स प्रतियोगिता की जा रही है, एक बहुत ही अच्छा एक आयोजन हो रहा है और इसमें यहाँ पे बिहार राज्य के हर जिले से आए हुए जितने भी एथलीट हैं, सभी वर्गों के, सभी उम्र के, उन सभी को एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है अपनी प्रतिभा को दिखाने का। और मैं आशा करता हूं कि इनको जो प्रतिभा और जो प्लेटफॉर्म यहां पे मिला है बहुत ही अच्छा इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और ये आगे भी अपना राज्य का और देश का नाम रोशन करेंगे। और 87 जूनियर सीनियर बिहार एथलेटिक चैंपियनशिप का क्लोजिंग है और हम हृदय से धन्यवाद देते हैं अपने IG साहब को, मुजफ्फरपुर क्षेत्र के श्री गणेश कुमार जी को, कि मेरे क्लोजिंग में आए। वो प्रेरणा स्रोत हैं इन तमाम बच्चों के लिए और तकरीबन 2000 से 2200 पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुजफ्फरपुर के जो आयोजक लोग हैं, जो अध्यक्ष हैं और जो वहाँ के संरक्षक हैं सिन्हा जी और प्रिंसिपल साहब हमारे जो LS कॉलेज के हैं, इन सब लोगों के लिए हम शुक्रिया अदा करेंगे कि इन लोगों के मदद से, इन लोगों के सपोर्ट से बिहार का सबसे बड़ा इवेंट लंगट सिंह कॉलेज की धरती पर हुआ। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के बच्चे जो सेलेक्ट होंगे वो नेशनल खेलने जाएंगे। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के हरिसभा चौक स्थित कल देर रात अपराधियों ने नाइट गार्ड पंकज की गोली मारकर हत्या कर दी। शहर के हरिसभा चौक पर देर रात पंकज की गोली मारकर हत्या मामले में शक की सुई मकान मालिक राहुल सिंह पर घूम गई है। मृतक के पिता रघुनाथ सहनी ने भी पुलिस को बयान दिया है जिसमें राहुल द्वारा अपने बेटे की हत्या करने की आशंका जाहिर की है। अब पुलिस उसी एंगल से जांच करने में जुट गई है। बताया जाता है कि राहुल चार दीवारी के अंदर कई सालों से पुलिस के नाक के नीचे सट्टा का अड्डा चलाता था, लेकिन मिठनपुरा पुलिस इससे अनजान बनी रही। अब जब मामला सामने आया तो पुलिस के भी होश उड़ गए। छानबीन में पता लगा कि बड़े पैमाने पर राहुल सट्टा का अड्डा चलाता है। सिर्फ रेकी करने के लिए उसने चार गार्ड रखा हुआ है। अब पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है वह फरार हो गया है। उसके सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। मृतक के पिता रघुनाथ सहनी ने बताया कि वह अहियापुर के सहदुल्ला पूर के रहने वाले हैं। 6 माह पूर्व राहुल ने उनके बेटे को नाइट गार्ड के काम पर रखा था। कहा था कि अंदर में मार्केट है जिसकी पहरेदारी करनी है। उसके साथ और भी लड़के काम करते हैं। रात को उन लोगों को सूचना मिली कि पंकज को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी मिला, दूसरे आदमी फोन किया जो गोली चला वहाँ पर, आपका लड़का काम करता है जाके देखिए जो गोली लगा है कि क्या हुआ है। हम लोग गए तो देखे खून भी खड़ा हुआ था, वहाँ पर कोई आदमी नहीं था। हम लोग गए हॉस्पिटल, बढ़िया हॉस्पिटल, माँ जानकी हॉस्पिटल गए तो लाश घड़ी में पड़ा हुआ था। पूछे जो क्या हुआ है तो बतला रहा है जो बेहोश है, अभी से इलाज नहीं हुआ है इसका। हम जब गेट खोल के देखे तो उसको गोली लगा हुआ था लेकिन वो खत्म था। गाड़ी एक गोली लगा सीना में लगा हुआ है। पहले से नहीं, हमको नहीं किसी से विवाद। ये हम लोगों को तो नहीं पता था, हमको तो वो गार्ड के नाम कह के ले गया था जो चलो गार्ड के काम करना। 6 महीना से क्रम ये है कि राहुल कुमार सिंह के यहाँ मेरा भाई गार्ड का काम करता था नाइट ड्यूटी। हर रोज की तरह कल वो 5 बजे गया ड्यूटी के लिए, ड्यूटी पे लगा रहा। उसके बाद 10:30 बजे इन्फॉर्मेशन आया अज्ञात नंबर से कि ऐसे ऐसे घटना घटी है यहाँ पे। जब हम गए वहाँ पे घटनास्थल पे तो
राहुल जिसके यहाँ मेरा भाई काम करता था राहुल कुमार सिंह के यहाँ, उसके मकान पे ताला लगा हुआ था। कुछ लोगों से सूचना मिली कि उसको लेकर माँ जानकी हॉस्पिटल गए, वहाँ गए तो मेरा भाई को गाड़ी में रखा हुआ था, कोई चेकअप वेकअप नहीं करा रहा था। उसके बाद वहाँ से एम के सी एच यहाँ लेकर आए मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर भी कोई जांच नहीं हो रहा था। फिर गाड़ी का दरवाज़ा एम्बुलेंस का ज़बरदस्ती खुलवाया तो थोड़ा नर्वस चल रहा था, जिसको ले गए। स्टेटमेंट के दौरान उसकी मौत हो गई। क्या गोली लगा हुआ? एक गोली सीने में लगा हुआ। इधर बुधवार को टाउन डीएसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की, वहां से सट्टा खेलने का सामान बरामद हुआ। एक और खोखा मिला जिसे जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पूरे परिसर को पुलिस ने बंद कर दिया है। वहां आने जाने वाले सभी लोगों पर निगरानी भी पुलिस कर रही है। बीती रात एक यहां पे गार्ड थे पंकज नाम के, उनकी कुछ अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और बताया जा रहा है इसकी पृष्ठभूमि में भूमि विवाद है और उसी के संदर्भ में गोलीबारी की घटना हुई है। हम लोग जांच पड़ताल करने के लिए आए हुए हैं, जो जांच में आएगा उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। खोखा कोई बरामद की गई? जी, एक खोखा बरामद हुआ है यहाँ पे घटनास्थल से। तो प्रथम दृष्टि क्या पता चल पा रहा है, जो मरा है वो कौन है, क्या करता था यहाँ? यहाँ पे गार्ड की वो नौकरी करता था, एक राहुल कुमार है, उनके द्वारा रखा गया था। और ये जो आप देख रहे हैं गेट, इसी गेट पर वो रात में अपना ड्यूटी कर रहे थे। उसी दौरान मोटरसाइकिल से जो भी अपराधी रहे हैं वो उन आए और पूछे कि वो कहाँ है, और बताए कि नहीं है, इसी पर जो है उसको गेट खोलना चाह रहे थे। विरोध करने पर उसको गोली मारने की बात बताई जा रही है। अपराधी की कुछ पहचान वगैरह हुई? जी, प्राथमिकी दर्ज कराई गई है मृतक के पिता के द्वारा, उनके द्वारा तीन लोगों को नामजद किया गया है और हम लोग जाँच पड़ताल कर रहे हैं। कट्टा काटा भी चलता है अंदर में? इसकी हमको जानकारी नहीं है, अभी आए हैं, उस तरह का कोई माहौल तो नहीं लग रहा है अंदर में। यदि इस तरह की बात होगी तो थानाध्यक्ष से हम लोग पूछताछ कर कार्रवाई भी करेंगे। पहले कोरोना और फिर प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के बाद डीजे कलाकारों की रोजी रोटी छिन गई। देखिए रिपोर्ट। शादी विवाह तिलकोत्सव में लोगों को मधुर गीतों पर झुमाकर खुशियां लुटाने वाला डीजे वाले बाबू की खुशी एक बार फिर छिन गई है। कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव के कारण जारी नई गाइडलाइन ने डीजे वाले बाबू का बैंड बजा दिया है, साथ ही बैंड पर बैन ने कारोबार को तगड़ा झटका दिया। बैंड और डीजे के व्यवसाय कर परिवार का रोजी रोटी चलाने वाले लोगों को लग्न के अंतिम दौर में भी निराशा हाथ लगी है। ज़िले में कई लोग डीजे और बैंड का कारोबार जीविकोपार्जन के लिए करते हैं। शादी विवाह से लेकर तिलकोत्सव और मुंडन आदि कार्यक्रमों में डीजे और बैंड बजाकर जश्न मनवाते हैं, लेकिन कोविड 19 की मार दूसरे साल के लग्न पर पड़ने से इसका व्यवसाय चौपट हो गया है। मार्च से लेकर अक्टूबर तक कोई बुकिंग नहीं हुई। इधर नवंबर से दिसंबर तक के लग्न में डीजे और बैंड की बुकिंग जम कर रही। 25 नवंबर से शुरू होने वाले लग्न में डीजे बैंड का काम करने वाले लोगों को अनुमान था कि इस लग्न में कुछ बहुत खर्च निकल पाएगा, पर उम्मीद को सरकार के एक आदेश ने झटका लगा दिया। ज़िले में डीजे की शुरुआत करने वाले का कहना है कि मार्च में टली शादियों में इस बार फिर बुकिंग थी, पर नए नियम के आने से व्यवसाय चौपट होने का अंदेशा है। घर चलाना इस बार मुश्किल हो रहा है। डीजे संचालक बताते हैं कि एकमात्र यही व्यवसाय है। 25 नवंबर से 7 दिसंबर तक लगातार डीजे की बुकिंग है, पर नए नियम के तहत अब फिर झटका लग गया है। जब डीजे बजेगा नहीं तो पार्टी भुगतान नहीं करेगी, इससे समस्या बढ़ गई है। भी नुकसान है, 2 साल से हम लोग नुकसान ही झेल रहे हैं और अच्छा खासा नुकसान झेल रहे हैं। कितने मतलब कुछ राशि होगी कि इतने का नुकसान हो रहा होगा, क्योंकि बुकिंग आप लोगों ने कर लिया होगा, अब आ गया है क्या आदेश को बैन कर दिया गया है? और ऐसे तो हम लोग का इवेंट का काम होता है, उसमें अगर डीजे का अगर काम नहीं होगा तो काफ़ी अच्छा खासा नुकसान होगा उसमें। डीजे के साथ साथ डीजे के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनका भी सेल काउंटर है आपका, तो बिक्री भी घटी? हमारी तो बिक्री तो काफ़ी घट गई है, ना के बराबर हो गई है। और जब बजेगा ही नहीं तो फिर बिकेगा कहाँ से? जो स्टाफ होंगे, कारीगर होंगे, उनकी काफ़ी वो उन लोग को भी छटैया करना पड़ रहा है। हम लोग को भी काम नहीं देना पड़ रहा, नहीं दे पा रहे हैं। जब काम ही साल में कितना
बिक्री था अभी के दो साल के? पहले दो साल से तो सेल एकदम खत्म है, तो पिछले साल भी सेल नहीं था और इस साल तो पहले कितना होता था जो दो सालों में नुकसान हुआ होगा? मतलब ठीक ठाक अच्छा खासा हो जाता था हम लोग का, लेकिन अब इस साल दो साल से तो हम लोग का एकदम सेल खत्म है, ना के बराबर। मतलब ये है कि रेंट देना भी मुश्किल है। यही हाल बैंड के संचालक का है। उन्होंने बताया कि बैंड पर बैन से मुसीबत बढ़ गई है, अब डीजे और बैंड नहीं बच पाएगा तो पूरा साल खराब। सरकार से यही गुजारिश करना चाह रहे हैं जो बैंड पर जो और ट्रॉली ऑर्केस्ट्रा पर जो रोक लगाया गया है, इसमें हम लोग पहले से बुकिंग कर चुके हुए हैं और एडवांस भी स्टाफ लोगों में बांट चुके हुए हैं, और सरकार से हमारी गुजारिश है कि बैंड और ट्रॉली लाइट पर जो बॉन्ड लगाना चाह रहे उनको उनसे उनको नहीं लगाया जाए और हम लोगों को आदेश दिया जाए कम से कम हम लोग अपने रोजी रोटी को, चूँकि हमारे साथ एक परिवार में एक आदमी का मतलब होता है कि 10 आदमी, और 10 आदमी एक परिवार से जुड़ा रहता है। ये व्यवसाय हम लोग का सीजनली व्यवसाय है और इस व्यवसाय में हमारे जितने मजदूर क्लास के लोग हैं वो वर्क करते हैं और इसी पर आधारित रहते हैं, चूँकि 365 दिन का ये हमारा वर्क नहीं है, ये मात्र हमारा 40 से 45 पूरे लगन में 40 से 45 दिन का ही होता है, और इसी में हम लोग 2 सालों से कोरोना काल में मरे हुए हैं, और हम लोग को उम्मीद जगी जो सारी सरकार के द्वारा सारी चीज़ की खोली गई तो हम लोग भी निश्चिंत हो गए और हम लोग भी अपना काम लिखना शुरू कर दिए, यानी एडवांस लेना शुरू कर दिए, काम कैसी कर दिए। अब सरकार की आदेश जो आई है तो क्या हम सरकार से ये जानना चाह रहे हैं कि अगर हर चीज़ खुला हुआ है, कोई मार्केट में कोई चीज़ ऐसी बात नहीं है कि कहीं पर सोशल डिस्टेंसन का नहीं हो, हम लोग भी सोशल डिस्टेंसन का पालन करेंगे, हम लोग भी सरकार का जो आदेश होगा उस सरकार के आदेश में हम लोग हैं। बाकी हम लोग को जो इतने परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, अगर इस बार हम लोग अगर बाजा नहीं बजा रहे हैं या कि सरकार के द्वारा कोई हमारी पाबंदी की जा रही है, तो अगर हम इसमें हमारे साथ जितने बैंड वाले भाई हैं, टोली वाले भाई हैं, ये सारे आदमी बर्बाद हो जाएंगे। और आत्मदाह हम लोग संकल्प भी किए हुए हैं कि आत्मदाह भी करेंगे, और नहीं होगा तो क्या करेंगे सर, हम लोग अपना सरकार से सुझाव तो आदेश मांगना चाह ही रहे हैं तो और ये तो शोभा का 1 से 2 घंटा की हम लोग का प्रोग्राम होता है। बिहार एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रतिमा कुमारी ने 2 मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया। बिहार एथलेटिक्स संघ के तत्वावधान और मुजफ्फरपुर जिला एथलेटिक संघ की मेजबानी में आयोजित 87वें बिहार राज्य सीनियर जूनियर एथलेटिक्स मीट के अंडर 20 बालिका वर्ग में झापा के मोहम्मदपुर गांव निवासी राजकिशोर प्रसाद की बेटी प्रमिला कुमारी ने 2 पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। प्रमिला कुमारी ने बताया कि डिस्कस थ्रो में गोल्ड और जैवलिन थ्रो में सिल्वर पदक जीतकर सारा श्रेय अपने माता पिता और कोच को देती है। जीती है, किसको श्रेय दीजिएगा? अपने माता पिता, शिक्षकों और हमारे कोच है संजीत भैया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मेडल जीतने के बाद। कितने साल से खेल रही है? ग्रुप कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में 20 में एडमिशन लिए है और वहाँ गए तो खेलते हैं। वहाँ किस खेलों में मिला है? एक है जेवलिन थ्रो और आज मिला है फर्स्ट मेडल है वो डिस्कस थ्रो में। आगे क्या सोचे हैं? नेशनल किसको दीजिएगा? माता पिता, शिक्षक और हमारे कोच संजीव भैया हैं। सिटी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन मिलते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहां पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहां मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहां अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा नारायणपुर रोड ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और
आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत को के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा दो पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज़ सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं अभी मोस्टली। शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15,000 की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25,000 की खरीदारी पर वीवो बैग और 25,000 से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम पानी टंकी चौक। जो फिनेंस की सुविधा में जिस मनी भी फिनेंस करती है, एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनेंस मिलेगा जिस मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जिस मनी के माध्यम से आपको फिनेंस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है, ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। अहियापुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चोरी की आभूषण खरीद बिक्री करने वाली महिला समेत दो को गिरफ्तार किया, जिसके पास से लाखों के आभूषण भी बरामद किए गए। जिले में चोरी के जेवर खरीद बेच करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके साथ ही एक शातिर चोर को भी गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से लाखों के जेवर बरामद किए गए हैं। उक्त जेवरों को पुलिस जब्त कर ली है। जब्त जेवरों का आकलन किया जा रहा है ताकि उसकी कीमत पता चल सके। वहीं महिला की गिरोह से जुड़े अन्य शातिरों की भी तलाश में पुलिस जुट गई है ताकि उनकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जा सके। गिरफ्तार महिला ब्रह्मपुरा के सोनारपट्टी की रहने वाली रूपम देवी है। वहीं दूसरा व्यक्ति कांटी के सदातपुर का रहने वाला मोहम्मद समीम है। बताया जा रहा है कि पुलिस एक पुराने चोरी की कांड की छानबीन कर रही थी, इसी दौरान समीम को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर उसने महिला के बारे में पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद अहियापुर पुलिस ने ब्रह्मपुरा इलाके में छापेमारी कर महिला को उसके घर से गिरफ्तार किया है। दोनों से थाने पर पूछताछ की जा रही है। इधर नगर DSP राम नरेश पासवान ने बताया कि अहियापुर थाना क्षेत्र में एक चोरी की घटना घटी थी। छानबीन के दौरान एक शातिर को पकड़ा गया था। उससे पूछताछ करने पर महिला को जानकारी मिली, जिसके बाद उसकी भी गिरफ्तारी की गई। दोनों से पूछताछ की गई है। पूछताछ में दोनों ने गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी बताया है। अहियापुर थाना क्षेत्र में चोरी की घटना घटी थी, उसी में आसूचना संकलन के दौरान अहियापुर SHO को सूचना मिली कि एक आदमी जो चोरी किया है वो कहीं दूसरी जगह रखे हुए है चोरी का सामान। इसी सूचना पर चोरी गए सामानों एवं अन्य सामानों की बरामदगी की गई है, जिसमें चोर के अलावा एक रिसीवर जो है उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। महिला का क्या रोल रहता था इसमें? महिला है, ये खरीद करके चोरी के सामान को खरीद करके रखती थी और बेचती थी। क्या क्या रिकवर है सर?
बहुत सारे ऑर्नामेंट्स हैं जिसमें चैन है, अंगूठी है, लॉकेट है, पायल है, इत्यादि इत्यादि। कैश वगैरह भी बरामद है, कुछ कैश भी बरामद है। नगर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार में किराएदार और मकान मालिक के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें मकान मालिक बुरी तरह से घायल हो गया। बुधवार की सुबह पुरानी बाजार में किराएदार और मकान मालिक के बीच जमकर मारपीट हुई। देखते ही देखते लाठी डंडा और छनौटा से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। पूरी घटना का किसी ने वीडियो बना लिया। तस्वीरें आप देखिए कैसे किराएदार और मकान मालिक आपस में लड़ रहे हैं। मारपीट की इस घटना में आभूषण कारोबारी बाबूलाल प्रसाद बेटा सुजीत कुमार, सुमित कुमार और एक अन्य स्टाफ गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इस संबंध में आभूषण कारोबारी सुजीत कुमार ने अपने किराएदार रतन कुमार सागर, गुड्डू और सुबोध के खिलाफ नगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना के संबंध में एक पक्ष सुजीत कुमार ने बताया कि वह अपना पैसेज मजदूर से तुड़वा रहे थे, इसी क्रम में दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। यही घटी कि हम अपना केवल जो बीच का पैसेज तुड़वा रहे थे, उसमें वो लोग आकर के जिसका किसी का दुकान का हमने किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया, उसके बावजूद भी वो मैंने बगल के दार रतन कुमार, उसका बेटा सागर, उसका गुड्डू और सुबोध, ये सब ऊपर आकर के छुलनी से छनोटा से लेकर आया और हम पे हमला किया और सीना पे मारा और यहाँ चोट भी है काफ़ी हमको, और समझिए कि मैंने दर्द से भी पीठ पे, सीना पे, सब पे हमको दर्द अभी हो रहा है। मारने की नियत से वो पूरा मारने की नियत से मेरे छोटे भाई को पूरा घन से सागर जो है सो पीछे जान ले लेता अगर मेरी मदर उसको नहीं पकड़ती और मेरी दादी को पटक करके पीटी। जब दादी कुछ थोड़ा सा बचाव के रूप में थोड़ा कुछ उसको बोला, इसी कारण जो है सो दादी को पटक करके दो छुंडी मारा ताकि हम लोग उसका छुंडी पकड़ करके उसको रोके हुए थे। दादी को भी चोट लगी हुई है। समाहरणालय सभाकक्ष में जिला प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर पत्रकारों के साथ परिचर्चा का आयोजन किया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर बुधवार को समाहरणालय सभाकक्ष में जिले के पत्रकारों के साथ परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी प्रणव कुमार, सहायक समाहर्ता सुरेश अनुपम, प्राचार्य एलएस कॉलेज डॉक्टर ओपी राय सहित विभिन्न मीडिया हाउस के वरिष्ठ पत्रकारों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं कार्यक्रम में सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों और सभी मीडिया हाउस के प्रतिनिधियों की उपस्थिति को लेकर उन्होंने धन्यवाद दिया तथा निर्धारित विषय हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ मीडिया पर विस्तृत प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने मीडिया से जुड़े सभी पत्रकारों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बधाई दी तथा निडर होकर जन सरोकार से जुड़े मामले पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ पत्रकारिता करने की बात कही। साथ ही कहा कि मीडिया के विभिन्न आयामों के माध्यम से आमजन को न केवल जन कल्याणकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी मिलती है अपितु नियमित संवाद भी स्थापित होता है। प्रेस से रिलेटेड सभी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी कर्मियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मीडिया एक बहुत ही सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से लोगों को एक नई दिशा प्रदान की जाती है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बेहतर पत्रकारिता के माध्यम से समाज को एक नया रूप, एक नया स्वरूप प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर पुनः मैं मुजफ्फरपुर जिले के सभी मीडिया कर्मियों को हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूं। 20 नवंबर को शहीद स्वतंत्रता सेनानी वंशी चाचा शहादत समारोह आयोजित की जाएगी, जिसकी जानकारी विकास परिषद द्वारा दी गई। मिशनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में बुधवार को शहीद वंशी चाचा सामाजिक विकास परिषद के द्वारा आगामी 20 नवंबर को महान स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद वंशी चाचा शहादत समारोह सह जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह हेतु प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम अध्यक्ष पूर्व विधायक केदार गुप्ता ने कहा कि कार्यक्रम का आयोजन मिठनपुरा स्थित आम्रपाली ऑडिटोरियम में सुनिश्चित हुआ है। कार्यक्रम में उत्तर बिहार के नवनिर्वाचित पंचायती राज जनप्रतिनिधि सदस्य के साथ जिले के हजारों की संख्या में अतिथि उपस्थित रहेंगे। वहीं कार्यक्रम की गरिमा प्रदान हेतु मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सहित कई माननीय के साथ पूरे बिहार के गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। राज्य विकास परिषद बिहार द्वारा आयोजित 20 नवंबर 2021 को ऑडिटोरियम
मुजफ्फरपुर जुपासानी पार्क के बगल में, उसमें शहीद बंसी चाचा शहादत समारोह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में पूरे उत्तर बिहार के प्रतिनिधि शामिल होंगे और अपने मुजफ्फरपुर जिला के हजारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह जी, माननीय मंत्री प्रमोद कुमार जी, माननीय मंत्री रामसूरत राय जी और पूरे बिहार से कई दर्जनों मेयर और जिला परिषद इसमें शामिल होंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारे न्यूज़ टीम को। नमस्कार।